हेलो नमस्कार दोस्तों, आज रेवा मछली को रेसिपी बनेगा किचन में। बरसात के महीना है, नदी में से बहुत ही उजैया हुआ है, ये रेवा मछली पकड़ करके लाए हैं। आज किचन में यही रेवा मछली को रेसिपी बनेगा। और रेवा मछली वाला वीडियो आप लोग को देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेवा मछली लेकर के चलते हैं किचन में। दोस्तों किचन में रेवा मछली लेकर के चल आए हैं, तो चलिए पत्ता पर उझील देते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेवा मछली को हम चलिए छीलना शुरू करते हैं। दोस्तों अभी बारिश के समय है, बहुत ही मछली नदी में उजहिया हो गया है, इसी बरसा में मछली पकड़ करके लाते हैं। दोस्तों रेवा मछली के हम मूरा काट दिए हैं, उसके बाद अंडा निकला है, तो चलिए हम अंडा के निकाल लेते हैं। इसमें बहुत अंडा है, तो अंडा के निकाल दिए हैं, तो चलिए आप पीस काट लेते हैं। अंडा निकला है, तो चलिए हम अंडा के निकाल लेते हैं। इसमें बहुत अंडा है, तो रेवा मछली के पीस काट लिए हैं, तो चलिए गमला में उझिल करके धो लेते हैं। चलिए बढ़िया से हम धो लेते हैं। मछली धोआ लिया है, तो चलिए परात में रखते हैं। दोस्तों मछली तो बढ़िया से फ्रेश कर करके धो लिए हैं, मछली चमक रहा है, फिर से एक पानी से और धो लेते हैं। मछली साफ हो गया है, साफ पानी दिखलाई देता है। दोस्तों मछली धो लिए हैं, उसके बाद चलिए हम अंडा धो लेते हैं। मछली के अंडा हम गमला में उझील देते हैं। चलिए हम पानी डाल देते हैं, इसको आराम से निकाल निकाल कर इन्हें रख लेते हैं। दोस्तों रेवा मछली और रेवा मछली के अंडा भी धो लिए हैं, तो चलिए इसके लिए जितना मसाला पड़ेगा वो मसाला ले आते हैं। ये है लहसुन है, कश्मीरी मिर्च है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, पीला सरसों है, ये गोल मिर्च है। तो सभी मसाला डालने से रेवा मछली बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो चलिए सभी मसाला के हम पत्थर पर तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले लहसुन पेस्ट पीस लेते हैं। दोस्तों लहसुन पेस्ट पीस लिए हैं, तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद चलिए हम पीला सरसों पेस्ट पीस लेते हैं। दोस्तों मसाला पीस लिए हैं, तो चलिए उठा लेते हैं। हम लहसुन पेस्ट धो लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, चलिए हम नमक डाल देते हैं, उसके बाद चलिए हम लहसुन पेस्ट डाल देते हैं। ये सभी डालने के बाद चलिए हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया है, तो चलिए हम सरसों तेल डाल देते हैं। तो सरसों तेल गर्म हो गया है, तो चलिए रेवा मछली फ्राई के लिए हम डाल देते हैं। दोस्तों रेवा मछली फ्राई हो गया, तो चलिए हम परात में निकाल लेते हैं। चलिए फिर से निकाल लेते हैं। चलिए फिर से डालते हैं।
दोस्तों जब तक इधर मछली के मूरा फ्राई हो रहा है तब तक इधर हम मसाला के बढ़िया से घोर लेते हैं पानी डाल। दोस्तों मसाला बढ़िया से घोर लिए हैं तो चलिए मछली फ्राई हो गया है तो निकाल लेते हैं। मूरा और पोथी फ्राई हो गया है तो चलिए निकाल लेते हैं। तो रेवा मछली तो फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद चलिए हम अंडा भी फ्राई कर लेते हैं। अंडा में नमक भी डाल देते हैं, थोड़ा हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। दोस्तों चलिए मछली के अंडा डाल देते हैं फ्राई के लिए। दोस्तों मछली के अंडा फ्राई हो गया है तो चलिए निकाल लेते हैं। मछली का अंडा फिर से डाल देते हैं। दोस्तों मछली का अंडा फ्राई हो गया है चलिए निकाल लेते हैं। तो मछली और मछली का अंडा फ्राई हो गया है तो चलिए उसके बाद हम पीला सॉस डाल देते हैं। दोस्तों फोरन फूट गया है तो चलिए इसमें मसाला डाल देते हैं। दोस्तों मसाला डाल दिए हैं तो चलिए इसको बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों मसाला बढ़िया से तब भुजा गया है तो चलिए इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, उसके बाद चलिए हम बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों मसाला बढ़िया से पक गया है तो चलिए इसमें रस के लिए हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए हैं उसके बाद चलिए हम चला देते हैं। दोस्तों रस बन करके तैयारी हो गया है तो चलिए रेवा मछली फ्राई डालते हैं। तो मछली फ्राई डाल दिए हैं तो चलिए उसके बाद हम अंडा फ्राई डाल देते हैं। दोस्तों मछली और मछली के अंडा डाल दिए हैं तो चलिए इसको थोड़ा चला देते हैं जो सभी में रस बराबर हो जाएगा। दोस्तों रेवा मछली तो बढ़िया से बन करके तैयारी हो गया है, रस भी गार हो गया है तो चलिए इसको उतार करके नीचे रखते हैं। दोस्तों रेवा मछली बना लिए हैं। दोस्तों दो ये आदमी रेवा मछली को टेस्ट कर करके देखते हैं कैसा स्वाद बना है। दोस्तों रेवा मछली तो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। दोस्तों रेवा मछली अंडा वाला और मकई की रोटी खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। ये वीडियो देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।